दिल्ली में चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव प्रचार में नफरत भरी भाषा का प्रयोग हो रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान मंत्री शायद बयान देने से पहले ये भूल जाते हैं कि भले ही तब उनकी बातें कोई ना सुन रहा हो, पर आज का युग डिजिटल है तो उनके द्वारा दिए गए बयानों को हर इंसान देखता है। केवल दिल्ली ही नहीं, पर पिछले कुछ समय में हर चुनाव में लगातार नफरत भरी भाषा का प्रयोग होता रहा है, जिसका असर पूरे भारत में देखने को मिल रहा है और अब इस नफरत की आग को बच्चों तक भी पहुंचाया जा रहा है। सीनियर पत्रकार अभिसार ने अपने शो में एक बच्चे का जिक्र किया जो नफरत भरी कविता पढ़ रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वीडियो, मैं उस बच्ची का चेहरा आपको नहीं बताऊंगा, आप सिर्फ आवाज सुनिए। बहुत मासूम बच्ची है, देखिए इसके माँ बाप ने इसके अंदर कितना जहर भर दिया है, सुनिए। कश्मीर में रहते हैं, फतह हिंदुस्तान का। कश्मीर में रहते हैं, फतह हिंदुस्तान का। फिर भी गाते रहते हैं गीत पाकिस्तान का। फिर क्यों गाते रहते हैं गीत पाकिस्तान का। पीठ पीछे झुरा घोंपते बस यही औकात रही। पीठ पीछे झुरा घोंपते बस यही औकात रही। ऐसे धोखेबाजों को जीने का अधिकार नहीं। ऐसे धोखेबाजों को जीने का अधिकार नहीं। बच्चों को बहकाने और नफरत भरी बातें सिखाने के कुछ मामले सामने आए हैं। गुजरात में स्कूली बच्चों को नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA पर समर्थन के पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO को लिखने को कहा जा रहा है। स्कूली बच्चों को कक्षाओं में ब्लैकबोर्ड पर लिखे टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कहा जा रहा है। अनाम स्रोतों द्वारा प्रत्येक स्कूल को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा जा रहा है कि कम से कम 50 पोस्टकार्ड PMO को भेजे जाएं। इसके अलावा कर्नाटक के बीदर के एक स्कूल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर से छेड़छाड़ करने के आरोप में स्कूल और प्रबंधन पर देशद्रोह का केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता के मुताबिक स्कूल में खेले गए एक नाटक के दौरान ये वाक्य हुआ। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक ये नाटक CAA से पैदा हुए देश के हालात पर आधारित था। स्कूल प्रबंधन के मुताबिक इस नाटक का मंचन कक्षा 4 के छात्र छात्राओं ने किया था। इसमें देश के वर्तमान हालात को दिखाया गया था। दर्ज करवाई गई शिकायत के मुताबिक शिकायतकर्ता ने इस नाटक का वीडियो सोशल मीडिया पर देखा। उनके अनुसार इसमें छात्रों को देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए प्रयोग किया गया। इसके एक सीन में CAA का विरोध दिखाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर पर मारते हुए दिखाया गया। स्कूल प्रबंधन के एक सदस्य ने कहा कि पुलिस ने कक्षा 4 से 6 तक के बच्चों को पंक्तिबद्ध किया और हर बार एक ही सवाल पूछा, क्या मूल स्क्रिप्ट में आपत्तिजनक हिस्सा था। अब तक लगभग 85 बच्चों से पूछताछ की जा चुकी है। हर दिन स्कूल में पुलिस कैंप लगते हैं और बच्चों से पूछताछ हो रही है। ऐसा ही एक मामला कर्नाटक के एक स्कूल में हुआ, पर उस स्कूल के बच्चों को इस तरह तंग नहीं किया गया और ना ही कोई पुलिस कार्रवाई हुई। इसका कारण ये है कि वो स्कूल RSS नेता द्वारा चलाया जा रहा है। सुनिए क्या है मामला। कर्नाटक के स्कूल में एक प्ले हुआ जिसमें बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करने का सीन रिक्रिएट किया गया। बच्चों के द्वारा पोस्टर नीचे गिराते ही जय श्री राम के नारे लगने लगे। कुछ दिनों पहले एक लड़के ने जामिया मिलिया इस्लामिया के एक प्रदर्शनकारी पर पुलिस की मौजूदगी में गोली चलाई। जी हाँ, ये हमारा देश भारत ही है, पर अब धीरे धीरे नफरत के रास्ते में आगे बढ़ रहा है और इस नफरत को बढ़ाने में अपना भरपूर योगदान डाल रहे हैं मंत्री, फिर चाहे वो अनुराग ठाकुर द्वारा नारे लगवाना हो। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। देश के गद्दारों को पीछे के आवाज आना चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। या अमित शाह द्वारा नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल करना। आपका वोट का ताकत बड़ा है, आपका एक वोट पूरे देश भर में ये संदेश भेजने वाले है कि नजफगढ़ शाहीन बाग वालों के साथ है या भारत माता के बेटों के साथ।
और भी कई नेता हैं जो नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल अपने भाषणों में करते हैं। मेरी सरकार बनते ही आपको एक भी मस्जिद अगर सरकारी जमीन पर दी जाए। लेकिन अब ये नफरत की आग धीरे धीरे स्कूल के बच्चों तक भी पहुंचने लग गई है, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। इसलिए अब जरूरत है कि सरकार कुछ सख्त कदम उठाए ताकि हम अपने संविधान के हिसाब से अपना देश चला सके। पंजाब टुडे रिपोर्ट। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.